हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के टेस्टिंग लैब को और अधिक प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। कहा, टेस्टिंग के माध्यम से ही रोका जा सका है इन्फेक्शन। यूपी ने पेश की है मिसाल। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को 30 जून तक संपन्न कराकर रिजल्ट घोषित करने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, अगर 3 मई को हटेगा लॉकडाउन तो शुरू होंगी परीक्षाएं। महाराजगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई समीक्षा बैठक। महाराजगंज जनपद में सभी कोरोना संक्रमित मरीजों का रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दी सभी को बधाई। कहा, अभी और सतर्कता की है जरूरत। लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी ने किया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किया जिले के बॉर्डरों को सील। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी कार्ड धारकों को दिया जा रहा है प्रति यूनिट 5 किलो चावल। डीएम ने बताया, अब तक 40% हो चुका है निःशुल्क चावल का वितरण। बेलीपार थाना क्षेत्र के कनैल गांव के समीप समय माता मंदिर के पास राप्ती नदी में डूबने से हुई युवक की मौत। पुलिस ने शव को किया बरामद, विधिक कार्रवाई में जुटी। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्कूल प्रबंधकों की बैठक। कहा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल के माध्यम से छात्रों के घरों तक पहुंचेगा स्टेशनरी, बुक्स और कॉपियां। कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया वॉश बेसिन, हैंड वॉश मशीन। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में होगा सहायक। शुक्रवार को नगर आयुक्त और व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, लॉकडाउन के दौरान कोरोना की लड़ाई में सफाई कर्मियों की है महत्वपूर्ण भूमिका, लगातार दे रहे हैं अपनी सेवाएं। तिवारीपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश इलाहीबाग निवासी महताब को किया गिरफ्तार। 2 बाइक सहित अवैध तमंचा किया बरामद। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा कि शातिर बदमाश के ऊपर लखनऊ पुलिस ने 5,000 का इनाम किया था घोषित। लॉकडाउन में मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल का सराहनीय प्रयास। 100 से 125 मरीजों की प्रतिदिन आ रही है कॉल। मरीजों को फोन और वीडियो कॉलिंग के जरिए एडवाइस कर किया जा रहा है इलाज। शुक्रवार को महेवा मंडी में लॉकडाउन को देखते हुए आढ़तियों ने खरीदा किसानों की सब्जी, जिससे ना हो मंडी में भीड़, ताकि हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बलोटिया दवा मार्केट में लगाया गया हैंड वॉश सिस्टम। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और महामंत्री ने हाथ साफ कर आम लोगों को किया जागरूक, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। कोविड-19 को हराने में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लगातार किया जा रहा है लोगों को जागरूक। महिला थाना की टीम ने लोगों में किया सैनिटाइजर का वितरण। लॉकडाउन के दूसरे चरण में शुक्रवार को कोरोना वायरस के जागरूकता को लेकर महेवा मंडी में सब्जी की गाड़ियों में लगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। भारत सरकार द्वारा शर्तों के आधार पर 20 अप्रैल से मछली की बिक्री की अनुमति के लिए मछली विक्रेताओं ने डीएम से मांगा पास। डीएम ने कहा, होगा डोर टू डोर डिलीवरी, कोई नहीं निकलेगा घरों से। लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को डायग्नो लैब्स के कर्मियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, ड्यूटी से निकाले जाने पर जताई नाराजगी। और लॉकडाउन के दौरान दूसरे चरण में शुक्रवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। बेवजह घूमने वालों पर हुई कार्रवाई।